हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम एक ऐसे कथा सुनेंगे जिसमें एक गाय भगवान कृष्ण का नाम जपते जपते काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। आइए ये कथा सुने, इसमें क्या भाव छिपा है इसे जानने की कोशिश करते हैं। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सी गायें थीं। वह गायों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी गायों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती गाय में से एक गाय ने वह कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। जब आदमी सभी गायों को घर ले गया तो सभी गायें अपने बाड़े में जाकर चिल्लाने लगीं, लेकिन वह गाय जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था वह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर श्री कृष्ण वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो गया। जब सब गायें उसको कृष्ण कृष्ण करते सुनती तो वह कहती, यह क्या कर रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोल रही हो। तो वह कहती कि यह नाम मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी मेरे जीवन में बहुत दिनों से कमी थी, जिसे मैं तलाश रही थी। इससे लगता है कि मेरी आत्मा को काफ़ी संतुष्टि मिली है। तो वह यह भी कहती कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी गायें उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और श्री कृष्ण रटती रही। सभी गायों ने यह निर्णय किया कि इसको अपने टोली से बाहर ही कर देते हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़ कर फिर अंदर कर देता है, परंतु गायें उसको सींग मार कर फिर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी हो गई है, जो सब गायें इसको अपने पास नहीं आने दे रही हैं। वह सोचता है कि यह ना हो कि एक गाय के कारण सभी गायें मेरी बीमार पड़ जाएं, इसका कुछ उपाय करना होगा। वह रात को उस गाय को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी गाय को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस गाय को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय चिल्लाने की जगह श्री कृष्ण जपती रहती है। वह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब वह किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से गाय बहुत ही ज़्यादा और बहुत मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, गाय के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लग गई। जो पहले एक एक रोटी को तरसता था, अब उसके घर में तीनों टाइम का भोजन पकने लग गया। यह सब उस गाय की कृपा के कारण और प्रभु श्री कृष्ण जी के होने के कारण संभव हुआ। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी।
तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको गाय का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस गाय को देखकर और कृष्ण नाम का जाप करते देख हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले जाता है। उन दिनों रानी काफ़ी बीमार थी। कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, रानी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप रानी जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा श्री ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या रानी के पास बैठकर भगवान नाम स्मरण करे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वह रानी के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह गाय याद आ गई जो कि हमेशा श्री कृष्ण जी का नाम जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने गाय को कृष्ण का नाम जप करते सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह गाय मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह आपको दे दूं तो मैं फिर से भूखों मरने लग जाऊंगा। मेरी रोजी रोटी और मेरे घर का गुजारा इसी के दूध के कारण होता है। इसके दूध के कारण ही मेरे घर में 3 टाइम का भोजन पकता है। मैं यह गाय आपको कैसे दे दूं? राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब तो गाय राजमहल में रानी के पास बैठकर निरंतर श्री कृष्ण का जाप करती, श्री कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और गाय का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से रानी की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। वैद्य ने और लोगों ने कहा, यह तो काफ़ी चमत्कारी गाय है जिसका दूध पीने से महारानी एकदम स्वस्थ हो गई। अब तो गाय राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल श्री कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में श्री कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक गाय जो कि एक पशु है, श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई, तो क्या हम इंसान निरंतर श्री कृष्ण का जाप करने से हम भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे? भक्तों, हमेशा प्रभु का स्मरण करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, लोगों को खुशियां बांटें और अपाहिजों अपंगों की मदद करें। जय श्री कृष्ण। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के पास ज्ञान फैले। ज्ञान फैलने से अंधकार रूपी अज्ञान दूर होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।